कैंपर वैन के ट्रिप्स तो हमने पहले भी किए थे, लेकिन जितना मजा अभी आ रहा है इससे पहले वो मजा यार मैं क्या बताऊँ। फिलहाल अभी मैं आपको ना अपनी कैंपर वैन पूरी दिखाने वाला हूँ अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सैम भाई आपने क्या मॉडिफिकेशन किए हुए हैं, कैसी बनाई हुई है, 3.0 में नया क्या है। तो वो तो आपको धीरे धीरे दिख ही रहा होगा, तो एक बार चलो आपको पूरा वॉक अराउंड दे देता हूँ अपनी कैंपर वैन 3.0 का। वैसे तो ये ट्रिप हमारा सोलो स्टार्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पे पहले ज्वाइन हुए मोनू भैया, उनकी बाइक ये खड़ी, और उसके बाद कबीर राणा, उसकी बाइक ये खड़ी। तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि आप दोनों कैसे सोए। वैसे तो अंदर दो अगर मेरे जैसा साइज है तो थोड़ा टाइट होके सोएंगे, अगर पतले पतले दो बंदे हैं तो आराम से सो सकते हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल होके सो सकते हैं। तो उसके बाद राणा जी आ गए, तो हमने अपनी कैंपर वैन को 1 BHK से 2 BHK में कन्वर्ट कर लिया। तो पहले स्टार्ट कर दो आपको किचन सेटअप से दिखाना। तो सबसे पहले किचन के आउटडोर सेटअप में मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारा ऑल ओवर आउटडोर सेटअप, जिसके ऊपर हमने अपनी टार्प लगाई हुई है, क्योंकि मानसून सीजन चल रहा है और अगर डे में धूप भी पड़ रही है तो हम उससे बच जाएंगे। ठीक उसके बाद हमने एक बारबेक्यू सेटअप बाहर लगाया हुआ है, ये अधूरा है, इसके साथ एक और बारबेक्यू अटैच होता है जब ये कंप्लीट होता है, तो वो हम आपको आने वाले टाइम में दिखा देंगे। और साथ में हमने बारबेक्यू सेटअप के साथ रखी हुई है कुल्हाड़ी, ताकि वो लकड़ी काटने फाड़ने के काम आ सके। फिर उसके बाद हमने टेबल के साथ हमने उसके ऊपर अपनी क्रॉकरी और ग्रॉसरी सेट की हुई है, और साथ ही में चॉपिंग वगैरह के लिए नाइफ वगैरह सेट किए हुए हैं। हमने रखा एक शावल, ताकि टार वगैरह लगानी हो तो उसके साथ में पोल वगैरह गाड़ने के लिए ये गड्ढा खोदने के काम आएगा, और आपके सुबह के कार्यक्रम को भी ढकने के काम आ सकता है। और ये हो गया हमारा आउटडोर सेटअप, जिसमें हम लोग आराम से बैठ के बारबेक्यू वगैरह और चॉपिंग वगैरह आराम से कर सकते हैं। तो आपने स्टार्टिंग में जो मैंने फर्स्ट टाइम कैंपर वैन रिनोवेट की थी तो वो आपने देखी होगी, उसके अंदर मैंने किचन सेटअप बनाया था जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। तो मेरे को चाहिए थी ऐसी फटाफट वाली किचन कि जिसको मैं खोलूँ, ऑलरेडी सेटअप हो, बस अपना बर्तन निकालूँ, रखूँ, कुक करूँ, उसके बाद वहीं बंद करूँ और निकल जाऊँ, चाहे मुझे रस्ते के ऊपर भी कुकिंग करनी पड़ जाए। तो मेरे माइंड में ये एक ड्रॉअर सिस्टम आया, जो मैंने पीछे वाला जो मैंने बेड बनाया था उसी के नीचे मैंने ये ड्रॉअर सिस्टम लगा दिया और उसके अंदर सारी चीज़ें सेट कर दी। जिसको कहीं भी खोलो, कहीं भी बंद करो और अपना खाना बना लो। अब आता है सोने के ऊपर, खाने के बाद सोने वाला जुगाड़ होना चाहिए, और सोने वाला जुगाड़ ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको रात में कहीं भी नींद आ रही हो तो आप किसी भी ढाबे पे लगा के और यू नो किसी भी सेफ प्लेस पे लगा के आप उसके अंदर सो सको। तो मैंने वही वाला इसके अंदर जुगाड़ रखा हुआ है, लेकिन परमानेंट वाला बेड नहीं बनाया, क्योंकि यार आपको पता है कि अपन सिटी के अंदर जब भी राइड करते हैं तो पुलिस वाले परेशान करेंगे। तो मैंने इसके अंदर सीट को ऐसे कन्वर्ट किया हुआ है, उसको अपना 6.2 फिट का बेड बना सकते हैं, आराम से खुले होके कहीं भी आराम से सो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा सेटअप बना हुआ है, पूरा बेड बना हुआ है, इसके ऊपर आराम से आप सो सकते हो। और ये वाला बेड ना यहाँ से फोल्ड होके ये अंदर चला जाता है, ताकि ये पीछे एक सीट हो जाती है और जो आगे वाली सीट है उसको बस हमें आगे से ऊपर उठा देना है और नीचे की तरफ लॉक कर देना है, तो वहाँ एक सीट बन जाती है और इन्हीं सीट के नीचे इतना स्पेस अवेलेबल है। अपना ग्रोसरी का एक पूरा डब्बा, LPG का सिलेंडर और उसके साथ में दो छोटे छोटे बॉक्स अपने सेट हो जाते हैं आगे वाली सीट के नीचे। और इस वाली सीट के नीचे एक तरफ हमारी किचन की ड्रॉअर बनी हुई है और दूसरी तरफ मैंने नीचे अपना बारबेक्यू सेटअप रखा हुआ है, ट्रैकिंग पोल्स रखे हुए हैं और इमरजेंसी में जो फटाफट कुकिंग वाले बर्तन होते हैं वो रखे हुए हैं। तो सोने के साथ साथ इसके अंदर मैंने एंटरटेनमेंट पार्ट भी अटैच किया हुआ है, मैंने एक छोटा सा TV लगाया हुआ है, उसके साथ में मैंने वीडियो गेम भी अटैच किया हुआ है, और एक ही बंदा नहीं दो दो बंदे खेल सकते, और साथ ही में म्यूजिक के लिए स्पीकर भी कनेक्ट किया हुआ है। और ये सारा जो कनेक्टिविटी है ये टोटल USB पावर पे है, आप अपने फ़ोन के चार्जर वाली पावर बैंक से इसको चला सकते हो। तो भैया ये तो सेटअप था अपने सिंगल के लिए, अगर हमारे साथ कोई ज्वाइन एक बंदा और होता है तो हम लोग इसके अंदर सो सकते हैं, आराम से खा पी सकते हैं, मजे से रह सकते हैं और सामान भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा बंदे जुड़ जाए तो मैंने ये एक ऑनिंग लगवाई थी और उसी ऑनिंग के साथ ये रूम अटैच हो जाता है। जो मैन्युफैक्चरर है वो है adventurehut.in, जिनकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वाला रूम मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लुक है और अंदर का तो पूरा 5-star वाला फील है। बाहर से देखने में तो ये बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन दिख रहा है और आप देख सकते हो प्रॉपर फिनिशिंग है, ऐसा नहीं लग रहा कि जुगाड़ करके कुछ हमने इसमें अटैच कर दिया है। तो रूम के साथ साथ इसके अंदर 4 विंडो दी गई है, 3 बाहर की तरफ और 1 आपके अंदर कार में जो अटैच होती है, ताकि आप रूम के अंदर से कार के अंदर जा सको। तो भैया रूम का सेटअप तो ये रहा, अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हो 5-star वाले नजारे कैंपर वैन के साथ, चप्पल बाहर उतारनी पड़ेगी। Thank you.
रूम के अंदर आने के बाद भैया हमारा है यहाँ पे बेड, और बेड भी ऐसे ही नहीं है कि बस बिछा दिया हो, बेड के ऊपर हमने लगाया हुआ है एयर बेड, और इसके ऊपर आराम से सो फुल बढ़िया तरीके से। क्या बात है यार, फुल रिलैक्स, मतलब आपको कंफर्ट की ना प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कहीं भी, फुल कंफर्ट जोन मैंने रेडी किया हुआ है अपनी छोटी सी मिनी कैंपर वैन के अंदर। और उसके साथ में मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है अपना ऑफिस, ऑफिस हमारा इंडोर भी है लेकिन आउटडोर ऑफिस भी मैंने सेटअप किया हुआ है कि भैया काम करते करते थक जाओ तो अपना आराम से यहाँ पे आके लेट जाओ। और अब आपको पता है क्वांटिटी बढ़ी गई है, आराम से 3-4 बंदे स्टे कर सकते अपनी मिनी कैंपर वैन में। तो यह हमारा लैपटॉप, छोटी सी टेबल, एक चेयर इसके अंदर सेट, और वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें 3-3 विंडो दे रखी है और एक अपनी कार के अंदर अटैच है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और रात को भूख लग जाए तो अपना छोटा सा आइस बॉक्स जिसके अंदर छोटी मोटी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अपनी रखी रहती है तो अपन पी सकते हैं। तो भैया पीने से याद आया, पानी का कैसे कनेक्शन किया हुआ है, मतलब पानी कैसे कैरी कर रहे हो, तो देखो ये है अपने पास 40 लीटर का केन। ये मेरे को अपनी ही सब्सक्राइबर फैमिली में से एक सुलभ भैया, उन्होंने मेरे को दिया था, तो ये केन मेरे को बहुत ही बढ़िया हेल्पफुल है कैंपर वैन में, तो मैंने इसको यहाँ पे अटैच करके रख दिया है, ये हिलेगा भी नहीं और फुल मजबूती से मैंने वेलक्रो से टाइट किया हुआ है। तो भैया खाने का, पीने का, रहने का और एंटरटेनमेंट का पार्ट कम्प्लीट हो गया। अब आती है वॉशरूम की, क्या वॉशरूम कैसे यूज करते हो। तो भैया वॉशरूम के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है पानी की, तो मैं आपको पानी दिखा देता हूँ। ये हमने 20 लीटर का एक केन लगा रखा है जिसके अंदर पाइप जा रही है, और यहाँ पे हमने कनेक्ट की हुई है एक मोटर जिससे शावर भी कनेक्ट होता है हमारा, और अगर अपने को हैंड वॉश वगैरह करने हो तो वो भी हमारा यूज में आ जाता है। तो वॉशरूम के लिए पहले मैं ना आउटडोर टेंट यूज करता था, जो लंबा वाला आता है जिसके अंदर हम लोग कपड़े वगैरह बदल सकते हैं, तो वो यूज होता था। तो मेरे को यार उसको खोलना, बांधना, फिर उसको रखना बहुत ना झंझट लगता था, मतलब बार बार खोलते रहो, पैक करते रहो, कभी कभी वो फोल्ड करने में दिक्कत भी करता था। लेकिन उसके बाद ना जब एडवेंचर हट से मेरी बात हुई तो उन्होंने मेरे को ना एक वॉशरूम सेटअप भी दिया, जैसे उनका ओनिंग का सेटअप है सेम उनका वॉशरूम का भी सेटअप है, और इस वॉशरूम के सेटअप ने ना सारी परेशानी दूर कर दी यार। तो इसको मैं दिखाता हूँ, इसके अंदर हमने शावर भी सेट किया हुआ है और आराम से नहा सकते हैं, धो सकते हैं और सारे काम कर सकते हैं। सबसे पहले पॉटी करने के लिए मैं ये वाली सीट यूज़ करता हूँ, और इसमें अपना पॉली बैग लगा के अपना सुबह का काम हो जाता है। अंदर से कुछ इस तरीके से है कि ये मैंने नी छोटी चटाई आती है, यहाँ पे हमारी टॉयलेट किट हो गई, इधर से भी हमें एक विंडो दे रखी है जो हम लोग कार के अंदर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा टॉयलेट रोल आ गया, इधर हमारा शावर आ गया, और सबसे अच्छी बात इसमें ना हाइट की एडजस्टमेंट भी, अगर आप टॉल हो तो उसको ऊपर नीचे सेट कर सकते हो। अब आते हैं उड़ने की बारी, ये तो उड़ेगा नहीं क्योंकि प्रॉपर कनेक्टेड है ऊपर, और नीचे कंपनी ने वेट डाला हुआ है कपड़े के अंदर ताकि वो एक जगह स्टेबल रहे, और अपना चेन लगा दो और साथ में हमें दिए लोहे के पैक्स, उनको भी डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया, मतलब मज़ा आ गया, 4-5 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बाथरूम के अंदर। अब आते हैं लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी की बारी की, भैया इलेक्ट्रिसिटी कैसे लेते हो, अपने फ़ोन, पावर बैंक्स, अपना लैपटॉप वगैरह कैसे चार्ज करते हो। तो भैया इसके अंदर लगाई हुई है दो बैटरी, एक तो इसकी कंपनी फिटेड है जो इंजन के साथ आती है, और एक मैंने एक्सटर्नल बैटरी मैंने सेट कराई हुई है ताकि उसके ऊपर हम सारा लोड डाल सके। अब बात आते हैं डीसी पावर को एसी पावर में कैसे कनेक्ट करते हो, तो कंप्यूटर का जो यूपीएस आता है वो मैंने कनेक्ट किया हुआ है इसके अंदर, उससे मैं एसी पावर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो मेरे सारे काम हो जाते हैं इसके अंदर। और सारा मामला हमने जगमगा दिया है, देख रहे हो क्या बढ़िया सेटअप लग रहा है, हमने चारों तरफ फेरी लाइट लगा दिया है, अब बहुत ही ज्यादा ग्लिम्सअप आ रहा है, मतलब यार मन ना ललचा रहा है। ये प्लान हमारा ना कल का था, लेकिन कल हम लोग यहाँ आते आते लेट हो गए, फिर उसके बाद बारिश शुरू हो गई और सारा मामला गड़बड़। जो हमने सोचा था ना कि आज हम लोग इस तरीके से खाना बनाएंगे करेंगे, वो पॉसिबल नहीं हो पाया, और फिर टार्प का सेटअप लगाना, ये सब कुछ करना थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आपको पता है अंधेरे में फिर ये चीज़ें कर पाना, थके होने के बाद कर पाना नॉट पॉसिबल। पर अभी भी देखो जैसे ही अंधेरा हुआ है
बूंदे टपकना स्टार्ट हो गई है। तो मैंने आपको सारी डिटेल दे दी अपनी कैंपर वैन में, क्या क्या सेटअप हो रखा है, किस तरीके से हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं और किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। आप लोगों के जितने भी सवाल थे वो इस व्लॉग में मैंने दे दिए कि क्या मॉडिफिकेशन हुई है, क्या न्यू चेंजेस हुए हैं। जिसको ऑनिंग रूफ टॉप टेंट और वॉशरूम शावर टेंट चाहिए वो एडवेंचर हट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। रात को कन्फर्म बारिश पड़ेगी, तो अभी हम लोग इसके ऊपर जो हमने रूम बनाया हुआ है, जैसे कल हमने टारा पॉलिन लगाई थी सेम वैसे इसके ऊपर लगा देंगे ताकि सुबह तक आराम से चिल मारते हुए सो सके। तो काम करते हैं, इस ब्लॉग को यहीं तक रख, क्योंकि आज हम लोग कुछ कुक नहीं करने वाले हैं। शाम को हमने बर्गर खा लिए, हमारा पेट फुल है और अब इसको सुबह तक पचाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कैंपर वैन का सेटअप पसंद आया होगा और ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में धमाके के साथ। अभी तो शुरू हुई है कहानी, अभी तो देखो आगे आगे होता है क्या। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय। तो यहाँ पे चल रही है हमारी एडिटिंग और रात के बज रहे हैं 11:05 और बाहर बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है। थोड़ा सा खोल के देखते हैं। ओ भाई साहब क्या तगड़ी बारिश हो रही है, और देख रहे हो रूम के अंदर कहीं से भी पानी नहीं है। हमने ये दो पोल लगा रखे हैं ताकि ये सारा वाटर इसके ऊपर ना आए और उस तरफ से नीचे बह के निकल जाए। क्या बात है यार, मज़ा आ गया इस वाटरप्रूफ रूम के अंदर। क्या चल रहा है मेरे भाई लोगों, सो गए तुम लोग? तो एकदम बढ़िया, नीचे भी सूखा है, गाड़ी भी सूखी है, पर बाहर बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है।